अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख का स्वागत करती हूँ। वक्फे खास बैत बिरादरी लाल बंगला ट्रस्ट की ओर से आज गुरुवार 9 दिसंबर की रोज लाल बंगला बैतपुरा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर व कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जिलाधिकारी व जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन के बारे में बार बार आवाहन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए आज गुरुवार के रोज बैतपुरा स्थित लाल बंगला ट्रस्ट की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप आयुक्त पंकज जावले साहब, रामदासपेट के थानेदार शेलके साहब और जेल के उप अधीक्षक शेख साहब मौजूद थे और साथ ही अध्यक्ष यूनुस खान, रसूल खान, सचिव जमील अहमद खान, रियाज अहमद खान, रहमान खान, अनवर खान, एजाज पहलवान, इजराइल खान, सलीम खान, फतेह खान, शकूर खान लीडर, तनवीर खान, जावेद खान, मुख्तार खान ठेकेदार, जावेद जकरिया और बैत बिरादरी के बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित थे। अकोला 24 न्यूज के लिए यूसुफ शेख के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। आज लाल बंगला ट्रस्ट बैत बिरादरी की ओर से कम्युनिटी हॉल में अपने परिसर के लोगों का वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया, ये बात मालूम हुई। ये बात सबसे अच्छी बात थी कि मनपा आयुक्त जावड़े साहब और उनकी वैद्यकीय टीम और लाल बंगला परिसर के ट्रस्ट की इन लोगों ने अपने परिसर के लिए कैंप आयोजित किया। इसी तरह ये वैक्सीनेशन कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप इसी तरह हर मोहल्ले में लोग आयोजित करें, जो कि अपना परिसर स्वच्छ परिसर और आरोग्यदायी परिसर बन जाएगा और सब लोग ये कोरोना के महाबीमारी से बच जाएंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। इसी तरह का उपक्रम और जो भी अकोला में ट्रस्ट है उन्होंने आयोजित करना चाहिए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। एक तो उपक्त जोड़े साहब से पूछते हैं कि किस तरीके से कैंप चलेगा और कब तक चलेगा? ये कैंप यहाँ के लाल बंगला ट्रस्ट के माध्यम से मनपा के वैद्यकीय अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये कैंप यहाँ लगभग 2 दिन तक चलेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हमें वैक्सीनेशन के लिए सपोर्ट मिला तो ये कैंप उससे भी ज़्यादा दिन बढ़ाने के लिए मनपा ने नियोजन कर दिया है। और हमारा सभी से अपील है कि हमारा ये मोमिनपुरा ये पूरा के पूरा वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए। मैं थानेदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन ले आए और हम डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमने इससे पहले भी यहाँ पर कैंप लिया है, 10-11 तारीख को यहाँ पर अभी कैंप लिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि सारे मोहल्ले के अंदर जितने भी लोग बसते हैं वहाँ पर ऐसा कैंप लिया जाए और इस कैंप से जो बीमारियाँ जो रफा दफा होती है इस बीमारी को दूर करें। वैसे लेकर आप अपने हिसाब से इस काम को अंजाम में चले। बैतपुरा लाल बंगला परिसर के अंदर बैत बिरादरी लाल बंगला ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने जिस तरीके से वैक्सीन कैंप लिया है, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रशासन का भी और ट्रस्ट का भी, और आवाम से भी आह्वान करता हूँ कि जहाँ अपने मोहल्ले के अंदर इस तरीके से आसानी से वैक्सीन लग रहे हैं, तमाम लोग आकर इसका फ़ायदा उठाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।